ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲੈਸ਼ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਪੇ ਹੈ फिलहाल मेरे को व्लॉग से चिढ़ा है फिलहाल भी कहते हैं यार मेरे सामने कैमरा ना किया अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है कैसे तो बेहतर उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे ठीक है वेलकम टू अनदर व्लॉग आज हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को लेकिन देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको सुबह खुद नहीं पता होता कि आज आपने क्या करना है कहाँ जाना है किससे मिलना है लेट्स ट्राई अभी निकले हैं घर से सिर्फ एक छोटा सा काम है दोस्त को मिलना है बस उसको मिल के फिर सोचते हैं कि आज करना है क्या आज तो सारा दिन ही मिलना है कुछ करने को है ही नहीं वो है अच्छा चीज मेरे अजीज मौसम आज बहुत ही सनी सनी है बहुत ही खूबसूरत है ठीक है डेली अपना क्या लगे जब भी निकल रहा हूँ ना शाम को ये देखो 4 बजे निकलता हूँ मैं तकरीबन 4 बजे निकलता हूँ ठीक है तो 4 बजे जब भी निकलो ना तो मौसम बड़ा ही अपना ना चिल सा हुआ होता है ठीक है बारिश का छट्टा लगा होता है पिछले 1 हफ्ते से यही सा हुआ है आज अपना ऐसा कुछ भी नहीं है आज मौसम भी बड़ा खूबसूरत है मेरी तरह शानदार है आहा खैर मज़ा आ रहा है अच्छा मौसम गर्मी होगी लेकिन हम तो भाई अपना गाड़ी में बैठे हैं एसी चल रहा है गर्मी नहीं लगती मैं सिर्फ उसके बात कर रहा हूँ धूप निकली हुई है हल्की हल्की अच्छी लग रही है फील आ रही है अच्छी फील आ रही है लो जी आज देखते हैं कि आज हम सारा दिन में क्या करने वाले हैं तो फिर आपको दिखाते हैं आंटी चला रही है ठीक है और अभी आंटी की वजह से लग जानी थी मौसम तो बहुत अच्छा है भाई दोस्त से मिल लिया कैश दे के गया कैश नॉट्स बैंक में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स थे ठीक है उनसे कहा यार मुझे चाहिए तो कहता बास भाई आपके लिए हाजिर है ले लिए फ्रेश नोट्स ले लिए अब हम जाते हैं यार हालत है कितने दूश बना हुआ ठीक है दूश बना हुआ पीछे 10 दिन हो गए खत ही नहीं कराया तो अभी हम जाते हैं सैलून पे खत करवाने ठीक है और मुझे ये सैलून बहुत पसंद है यहाँ पे सैलून पे काम बहुत अच्छा होता है समनाबाद में है मैं आपको दिखाता हूँ तो बहुत से सैलून आ गए हम ठीक है तो अब यहाँ पे काम करवाते हैं अपना अच्छे वाला भी की और आपको खत को सही हो गए चलो चले जी सच सच बताना है खत कैसा लगा ठीक है झूठ नहीं बोला पप्पू बच्चा लग रहा हूँ अच्छा यार खत करा लिया ठीक है शाम के 6 बज गए हैं देखो 6 बज गए ठीक है और क्या करें यार कुछ नहीं करने को यार यार काफ़ी दिन ही हुई यार इंटरनेशनल ट्रिप नहीं मारा मैंने कोई ना मतलब लाइक वाई फाई गए ही नहीं कहीं पे भी तो सोच रहा हूँ यार कोई एक अगर ट्रिप मारे क्या ख्याल है क्या दिन के आज 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 है 13 अगस्त 15 अगस्त 14 15 16 13 अगस्त यार आज इंटरनेशनल ट्रिप में आते हैं 13 अगस्त ओके करो आज ही चलते हैं क्या ख्याल है डन करो निकलो घर जाके पैकिंग करते हैं और निकलते हैं देखी जाती है अभी टिकट
13 अगस्त 6:05 हुए हैं, ठीक है। और फैसला करना, अगर किसी को यकीन ना आएगा तो इसके बाद की टिकट दिखाऊंगा, उससे पहले की नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो इजाज़त दो। लो बस गाड़ी खड़ी कर ली है, ठीक है, मैं घर आ गया हूँ, अब तैयार होते हैं, जल्दी से नहाते हैं धोते हैं, ठीक है, और फिर एयरपोर्ट के लिए हैं। जी इजी ले आया सानू, हैं, और गल कोई नहीं की, तुसी है बिल्कुल इजी ले लिया सानू। बैंकॉक जा रहे हैं, बैंकॉक बैंकॉक यू नो बैंकॉक। ये लो जी, बताओ कौन सा ड्रेस पहना है, हालत देख रहे हो, ठीक है, बहुत हैं कपड़े, बहुत हैं ये, हम तो ऐसे ही कपड़े बनाइए बना लेते हैं, एक जोड़ी ये हो गई है, एक जोड़ी ये हो गई है, ठीक है, और इसके साथ जोड़ी उधर से ले लेंगे एक आधी, ठीक है, 2-4 दिन के लिए जाना है, घूम फिर के वापस। लो जी हो गए फ्लैश, आ गए अपनी लुक पे, हैं। तो जी सबसे पहले खाना हो जाए, किसको पसंद है साग, साग के साथ चोपड़ी रोटी, मजेदार। लो जी फाइनली हम रेडी हो गए हैं, ठीक है, और एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, और ये हैं हमारे फिदान भाई। फिदान भाई क्या हाल है, कैसे तबीयत था देखा फिदान भाई को व्लॉग से चिढ़ा, फिदान भी कहते हैं यार मेरे सामने कैमरा ना किया, ठीक है। और ये है मोहसिन भाई, मोहसिन भाई क्या हाल है, कैसी तबीयत है खामोश तबीयत लोग हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा जब देखना ये तुर 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 तोते की तरह बोलेंगे, मैं साथ लगाऊंगा, ठीक है ना। लो हम अपना कह लोगे एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, एयरपोर्ट पहुंच के आपको भाई, आज 13 अगस्त की रात है, ठीक है, और एयरपोर्ट को बड़ा ही प्यारा डेकोर किया हुआ है लाइट्स के, ग्रीन लाइट्स है, वाओ जबरदस्त माशाल्लाह, प्यारा लग रहा है यार हमारा एयरपोर्ट। लो जी फाइनली हमने सिक्योरिटी क्लियर करवा लिया, ठीक है, हर चीज़ क्लियर हो गई है, अब हम जा रहे हैं लाउंज में, आपको लाउंज दिखाता हूँ, यहाँ का ना लाउंज थोड़ा सा अपडेट हुआ है, और बहुत ही अच्छी बात है कि अपडेट हो गया, वरना लाउंज तो था ना इस्लामाबाद का, अच्छा इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, अपना लाहौर एयरपोर्ट का लाउंज जो था ना वो थोड़ा सा नॉर्मल था, लेकिन इन्होंने अपडेट कर दिया और बहुत ही खूबसूरत बना दिया, और सेटिंग काफ़ी ज़्यादा तब्दील हुई है, क्योंकि मैं 10-12 दिन बाद अपना आ रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियाँ बीत गई हैं। अब आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अंदर से लाउंज कितना खूबसूरत है, मैं आपको बता रहा था ना, लाउंज बहुत खूबसूरत कर दिया, डिफरेंट कर दिया, लाहौर का लाउंज है, कमाल है भाई कमाल है, मजे मजे मजे, थोड़ा सा काम कर ले, खैर इसके साथ आप मुझे इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में हाजिर होऊंगा, ठीक है, कल इंशाल्लाह, और आपको दिखाएंगे थाईलैंड का, बैंकॉक का, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत मस्ती आने वाली, बाकी अपना ख्याल रखना, अपने चैनल वालों का ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।